Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna get ready for my Karva Chauth. And that means I'm gonna apply henna for the very first time on my hand by myself, yes. Because in Sweden, I couldn't find any person. So yes, this time I got this sort of henna, mehndi. I'm not sure how I'm gonna do that, but let's try. So yes, I got it from Shishta Grosin. If you don't know from where you can get, so that is Shishta Grosin from where I got this, from Himalaya Leaves as well. So yes, so aaj hum thodi kalagari karte hain, although I'm not good at it at all, but let's see. I don't have any options, so yes. Good morning, friends. So many mehndi. Okay, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और टाइम हो गया है सरगी का. जल्दी से रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपको. बाय बाय. हेलो. सो भी नहा के हम आ चुके हैं और अब हम बनाएंगे सरगी. सो लेट्स do it fast. So I am ready और अभी हम पूजा करेंगे और मेरी सरगी भी रेडी है, तो थोड़ी सी पूजा करते हैं, उसके बाद हम खाएंगे सरगी. So हमने पूजा भी कर ली है और अब है सरगी टाइम. मेरी सरगी भी रेडी है. मैंने सिंपल जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ, पराठा सेम या थोड़ा सा प्रेशर और बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो यस, शुरू करते हैं सरगी. हैप्पी सरगी टू ऑल. और एक कप दूध, वेरी इम्पॉर्टेंट, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटर. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो अभी दिन के बज रहे हैं 1:00 और मैंने अभी बस अपना काम फिनिश किया ऑलमोस्ट. और अब सोचा मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि 1:30 बजे लंच टाइम होता है, जो कि मैं अभी नहीं करूँगी आज. तो अब थोड़ा बोरियत फील हो रही है 1 घंटे के लिए. देखती हूँ क्या करती हूँ, थोड़ा चिल करती हूँ. बाकी मैंने थोड़ी सी हाँ पूजा के लिए प्रिपरेशन कर दी है, अपनी प्लेट जो थाली होती है वो सजा दी है. बाकी ज़्यादा कुछ अभी इस टाइम इस साल कुछ किया नहीं. मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि क्या लेके आना चाहिए था, और लिटरली मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी इस साल. बट इट्स ओके, भगवान जानता है कि यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं था. तो मैंने छोटी सी मतलब पूजा करूँगी थोड़ी सी, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के साथ. और आपको दिखाती हूँ, मेरी प्लेट, इसमें फ्रूट्स और सुहागनों के लिए जो जो होती है चीज़ें वो रखी है. और इस बार मैंने किसी और लाइक लेडीज़ के लिए नहीं रखी, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है. यस, तो सिर्फ अपनी मदर इन लॉ के लिए रखा है, दैट्स ऑल, शॉर्ट एंड क्रिस्प. तो बस इतना ही है आज की इस बार की करवा चौथ पे. तो बस ये प्रिपरेशन हो गई है थोड़ी बहुत, और बस अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर काम भी शुरू करूंगी, तो थोड़ा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. अदरवाइज वैसे फ्री बैठ के तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ खा लूँ, कुछ कर लूँ, मतलब ऐसा है. ऑल दो डेली ऐसा फील नहीं होता, मे बी येस बिकॉज इट्स फास्ट, तो ज़्यादा ध्यान उसी तरफ जाता है कि अच्छा आज फास्ट है, आज नहीं खाना है. तो जब फ्री हो तो बस यही सोचते रहो. तो ऐसा है इस बार की करवा चौथ, काफ़ी सिंपल थी बट स्टिल आई लाइक इट. ओके, काम भी हो गया, बिजी भी रह लिए और भगवान का नाम भी ले लिया और पूजा भी हो गई. ज़्यादा
फन और एक्टिविटीज़ वाला कुछ ज़्यादा खास सेशन हुआ नहीं। और अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा फ़ोटोज़ लिए जाए। मॉर्निंग में मैंने लिए हैं थोड़े बहुत, जो कि अपने आप ही किए फोटोग्राफी, बट अब मैं सोची थी अपने हस्बैंड को बोलूँ कि प्लीज़ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ ले ले, बिकॉज़ आई लव टू टेक पिक्चर्स अभी। बट आई फील कि बाहर निकलूँ तो कैसे। बाहर इस टाइम आप देख सकते हो दिखने में अच्छा लग रहा है वेदर, बट बिलीव मी इट्स टू कोल्ड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक -2-3 इतना है। तो मैं सोच रही हूँ बाहर कैसे जाऊँ, बाहर जाऊँगी तो जैकेट पहन के, तो अगर फोटोज क्लिक करवानी है तो जैकेट उतार के, लेट्स सी, देखते हैं, ट्राई करूंगी। अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, वो अभी गए हैं बाहर लंच करने। यस, तो आज मैंने खाना नहीं बनाया तो वो भी नहीं खाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है। सो यस ऑफ कोर्स ही इज फीलिंग हंग्री, सो ही सेड ओके मैं बाहर ही चला जाता हूँ, तो बाहर वो कुछ खाना पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, और फिर अभी आएंगे। तो फिर मैंने बोल दूँ कि अब तो टाइम हो गया है फोटोज क्लिक करने का। और यस, आज का करवा चौथ ऐसा ही था। थोड़ी देर में थोड़ी सी पूजा दिखाऊंगी आपको, फिर शाम को चांद का मुझे थोड़ा सा डाउट, आई डोंट नो कब आएगा। वेदर वैसे ही थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी, ऑल दो सनसेट 4:30 बजे है और मून राइज आई थिंक 5 उसी के बाद है, तो जल्दी हो जाएगा, बट नॉट श्योर विजिबल होगा कि नहीं। होप फॉर द बेस्ट। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम जब मैं बैंगलोर में इंडिया में थी तो एट दैट टाइम द सेम थिंग यू नो हैपन, कि चांद दिखाई नहीं, बारिश कंटिन्यूसली लगी रही, और मैंने पूरे 12 बजे तक वेट किया, और उसके बाद मैंने सोचा ओके अब दिन खत्म, तो ठीक है खा लिया जाए। होपफुली इस साल ऐसा ना हो, चांद दिख जाए। सो प्लीज प्रे एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल वुमेन एंड मैन एज वेल, जिनके पतियों ने करवा चौथ का व्रत रखा है उनको भी। सो यस, अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। बाय द वे मैंने ये मेहंदी लगाई है, ये वाली बहुत गंदी लगी हुई है। ये वाली मैंने फिर बाद में थोड़े आराम से फोन पे देख करके, गूगल पे देख के बनाई, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे हस्बैंड ने ये लगाई है। सी, इट वाज लाइक शॉक टू मी, सरप्राइज, आई गॉट सरप्राइज कि वाओ। और फिर बैक साइड मैंने ही लगाई है, और ये साइड उन्होंने काफ़ी अच्छी लगाई है, काफ़ी अच्छी। सो आई एम सुपर हैप्पी। सो यस, फिलहाल अब हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे दोबारा से अपना काम, ऑफिस का काम शुरू करती हूँ, और अप्रॉक्स 4 बजे हम पूजा करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम बनाने वाले हैं खाना, एक्चुअली मेरे पति बनाने वाले हैं खाना, मैं सिर्फ उनको ये प्याज काट के दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, सो अब टाइम हो गया है पूजा का, तो हम करेंगे पूजा शुरू। फ्रेंड्स इट्स स्नोइंग, आ जी हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली चांद आ गया बारिश के बाद, स्नो के बाद, और अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 9, यस 9 बज रहे हैं, और आ गया थैंक्स टू गॉड। और अभी हम जा रहे हैं वापस रोड पे, आए थे हम एक्चुअली लिटरली देखने की, देखते हैं आएगा कि नहीं, एंड वी वर वेरी स्केयर्ड लाइक ओ गॉड व्हाट्स गोना हैपन। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले हमको चांद दिख गया, थैंक यू चांद। ओके बाय बाय, भूख लगी है।